के नाम से भी जानते होंगे या आप लोग इसको CRB कॉइन के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं, परंतु ये कॉइन हम लोगों को आज बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, इसलिए आप लोग इस कॉइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को इस कॉइन के एनालिटिक्स, इस कॉइन के बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस कॉइन की पूरी डिटेल मैंने कॉइन मार्केट कैप से इकट्ठी की है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट को जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आज आपके इस वीडियो में आप लोगों को इसके चार्ट वगैरह सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये कॉइन हम लोगों को अभी के टाइम में लगभग 2.62 डॉलर का मिल रहा है, और इसमें अभी आज की डेट में लगभग इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट जो है 12% का हमको देखने को मिल रहा है 24 आवर्स में। वहीं पे हम 24 आवर्स के वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 50 करोड़ USD का इसका 24 आवर्स का इसका वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम लोग इसके अभी मतलब 12% बढ़ चुका है ये, और अभी इसके मार्केट कैप की बात करें तो यह कॉइन मार्केट कैप में लगभग 77 में आ रहा है, मतलब इसकी रैंक 77 है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग दोगुना हमको देखने को मिल रहा है, जितना भी इसका टोटल आज का वॉल्यूम है उससे लगभग डबल इसका मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 121 करोड़ 41 लाख के करीब USD के करीब इसका मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसकी टोटल सप्लाईज जो है इसकी अभी के टाइम में मार्केट सप्लाईज लगभग 46 करोड़ ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं पर इसकी टोटल सप्लाई लगभग 330 करोड़ के करीब हम लोगों को इसकी सप्लाईज अभी टोटल सप्लाई देखने को मिल रही है, मतलब अभी इसकी टोटल सप्लाईज से लगभग 10 से 15% भाग ही अभी बाहर निकला है, बाकी सब इसके प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉइन के क्या कैसे चल रहे हैं। आज की डेट में कॉइन का हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है, कॉइन एकदम से ही अपर सर्किट में आया, मतलब यहाँ से नीचे गिरा और फिर एकदम से ही जो मूव आया कॉइन में, तो हम लोगों को इस प्रकार से कॉइन के मूव्स देखने को मिले। वहीं पे यदि हम 3 मंथ के चार्ट की बात करें तो 3 मंथ का चार्ट हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। वहीं पे आज अमेरिका का शेयर मार्केट डाउन है और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी डाउन है, परंतु इस कॉइन में हम लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि 3 मंथ के चार्ट के हिसाब से ये कॉइन तो अभी नीचे चल रहा है, परंतु धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने जो अपने निस्तर स्तर जो था उसको क्रॉस किया, मतलब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉइन धीरे धीरे हमको ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि कॉइन इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल रहा था, मतलब कॉइन नीचे ही आ रहा था, परंतु उसने अपने अपर सर्किट को क्रॉस किया, इसका मतलब ये है कि कॉइन अभी फिर से हम लोगों को और भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, मतलब $3 तक होता हुआ हम लोगों को ये कॉइन लगभग 1 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम यदि 1 ईयर के चार्ट की बात करें तो 1 ईयर का चार्ट कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये कॉइन हम लोगों को $60 तक होते हुए भी देखने को मिला था। यहाँ पे कॉइन धीरे धीरे मतलब अपनी एक सपोर्ट में था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सपोर्ट ये है इसकी कॉइन की, और अभी इसकी प्रेजेंट की सपोर्ट ये देखने को मिल रही है लगभग 2.4 डॉलर, जो कि अभी इसने क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब ये है कि कॉइन अभी के टाइम में हम लोगों को ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें कि कॉइन हमको फर्स्ट टारगेट इसका $3 हम लोगों को देखने को, सॉरी $3 कह रहा हूँ, $4 हमको इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, और $6 इसका सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा। यदि यह $7 या $7 के ऊपर जाता है तो कॉइन हमको और भी अच्छी तेज़ी देखने को देगा। दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, दोस्तों आप लोग इसके अपने पैसे को कहीं भी लगाने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर डिस्कशन कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी, NFT और शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।